दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। इसके साथ ही आज पूरे दिल्ली में एनसीआर में घने कोहरे की चादर नजर आ रही है। दिल्ली के एयरपोर्ट में जो विजिबिलिटी है वो 0 मीटर के आसपास आंकी गई है। साथ ही सफदरजंग में दिल्ली की विजिबिलिटी 500 मीटर के आसपास आंकी गई है। यातायात के ऊपर कोहरे का सीधा असर होता जा रहा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। दिल्ली को लेकर मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि आज तापमान 5 डिग्री तक जा सकता है। कोहरे के कारण दिल्ली की ओर आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, साथ ही कई सारी उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में एक बार फिर से कोहरे की वापसी हो चुकी है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट में एक बार फिर से जो विजिबिलिटी है वो 0 मीटर के आसपास आकी गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी इंडिया गेट के पास है, जहां की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ धुंध और कोहरा ही देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा ये कोहरा जो है वो घना है। सफदरजंग की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो विजिबिलिटी है वो 500 मीटर के आसपास आकी गई है। इसी बीच हम देख रहे हैं रिपब्लिक डे का जो रिहर्सल है वो भी कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है इस घने कोहरे में। साथ ही साथ ठंड जो है वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस, तो वही जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की संभावना जताई गई है। घने कोहरे की वजह से साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से यातायात की आवाजाही में परेशानियां देखने को मिल रही है। जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा धीमी चलती है। सारी जो सभी जितनी भी गाड़ियां हैं वो काफी ज्यादा धीमी चल रही है। साथ ही साथ क्योंकि हम देख रहे हैं एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी वो काफी ज्यादा कम है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि आज भी बहुत सारे फ्लाइट जो है वो कैंसिल होने की संभावनाएं हो सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले दिन में मौसम विभाग ने बताया है कि तापमान में इजाफा जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कोहरे की जो स्थिति है अभी कुछ दिनों और लोगों को सताने वाली है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया।